घंटा हो चुका है मुझे इधर उधर फिरते हुए अकेले, और कोई What the hell? तो हम घर आ गए और जैसे आपने देखा था कि पंजाबी सॉन्ग सुन रहे थे, तो लॉकडाउन शुरू है, आप क्या बना रही हैं? ऑयल ऑयल पकौड़ी। कितनी दुकान से आई ये आलू है? गोल गोल पतले पतले, ठीक है। ये पकोड़े का मसाला है, पकोड़ों का मसाला, ठीक है। एक पकोड़े का मसाला कि पकोड़ों का मसाला? और ये चार मिर्ची है, ये चारों हम खाएंगे। और हमारे पंजाबी बहन भाइयों के लिए आज से पकौड़े पकेंगे। ओके जी, ये हमारे पास जो है वो पकौड़ों के लिए सीमेंट, मेरा मतलब है बेसन तैयार हो रहा है। आज हम पकौड़े बनाएंगे नाइस। हाँ। जैसे उल्लुओं को उल्लू बनाया जाता है, नहीं, इंसानों को उल्लू बनाया जाता है। हमारे मिर्ची वाले पकौड़े और पकौड़ों वाले पकौड़े रेडी हो गए। अब हम खाने जा रहे हैं क्रंची क्रिस्पी। नहीं, अभी मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि जो पेंडिंग काम पड़े हैं वो कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि वैसे तो टाइम गुजर नहीं रहा है मेरा। आई जस्ट टुक शावर, ये मिटा नहीं अभी तक, यू नो डैश थिंग्स। क्या पक रहा है? चिकन कढ़ाई को कीमा, आलू कोई, ओहो गोभी। गाइस, यू कैन इमेजिन दैट आज पूरे 32 डेज हो चुके हैं, हमने घर का दरवाजा खोल कर भी नहीं देखा, पर आज हमारा वाकई दिल कर रहा है कि हम दरवाजा तो खोल के देखें कि बाहर की हालात क्या है। ओह गॉड, चले हमारे साथ। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं पंजाबी सॉन्ग। हमें घर जाना चाहिए। टिकटिकी वाले जानना चाहते थे कि क्वारंटाइन डेज में मैं अपने घर में क्या करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि मैं एक दिन के लिए घर में होती हूँ और एक दिन ऑफिस जाना होता है। मोस्टली मुझे लगता है कि छुट्टी वाले दिन आपको अपनी वार्डरोब देखनी चाहिए, तो मैं ज़्यादा अपनी वार्डरोब ही सेट करती हूँ और देख लेती हूँ कि कल ऑफिस जाने के लिए मुझे क्या पहनना है। इसके अलावा और कौन सा ऐसा काम है जो मैं करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं घर के कोई काम नहीं करती, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता अपने घर में। अपनी ड्रेसिंग टेबल खुद ही सेट कर लेती हूँ अगर आपको नजर आ गई तो, या फिर मैं अपनी अम्मी से फोन पर बातें करती रहती हूँ, या फिर अपने किसी दोस्त से बातें करती रहती हूँ। तो छुट्टी वाला दिन मेरा ऐसे गुजरता है, फिर मुझे नेक्स्ट डे ऑफिस जाना होता है और ऑफिस की रूटीन तो आप सबके सामने भी होती है क्योंकि आप लोग टीवी पे मुझे देखते रहते हैं। माइंड रिलैक्स करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कोक स्टूडियो सुनते हैं। और सबसे प्यारा सॉन्ग है ये, आई श्योर जब आपको अपना माइंड रिलैक्स करना हो ना ये सुनो। हैरान हुआ, ये मेरा ब्लू पे पौड़ा पौड़ा पौड़ा। आप इसको भी साथ में रखो जब आपने अपना माइंड रिलैक्स करना हो, इसको हग करोगे इतना सुकून मिलेगा। इसको मैंने मेरी क्या बात पसंद है, कद के इकले आ जाकर, कद हाथ तो पर आकर, कद पैर दबाया कर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, मारा कॉस्मेटिक छुपा हुआ यहाँ पर, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा कॉस्मेटिक को कोई भी टच करे, यू नो। आई लव माय कॉस्मेटिक एंड आई डोंट वांट टू शेयर। यू मेक माय लाइफ इवन जस्ट बाय बीइंग माय, यू मेक माय लाइफ इवन।
पेंडिंग्स पोर्ट्रेट भी अच्छे बना लेते हैं, पर एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं होता था। तो इन दिनों हमने अपने पेंटिंग पोर्ट्रेट्स वगैरह पे कुछ ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि हम यू नो फ्री फ्री फ्री। तो लेट मी शो यू माय आर्ट। वो हैवी गो, हमारा पूरा आर्ट का सामान और कुछ इनकम्प्लीट है। तो फाइनली कंप्लीटेड।